राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। मैं हूं सीमा मिश्रा, स्वागत है आप सभी का सीमा मिश्रा ब्लॉग्स में। आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर निकल कर भी दिखाती हूँ, बढ़िया धूप खिली हुई है और मैं तैयार हो गई हूँ। आज ये वाली साड़ी पहनी हूँ, बहुत सुंदर अच्छी साड़ी है, बड़ी सुंदर साड़ी है, नई साड़ी है। तो नए साल में नई साड़ी से, मैं तो नए नए कपड़े से शुरुआत कर रही हूँ। मैंने कहा नए साल में मुझे नया पहनना है, तो पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ। पता नहीं पूरा दिख पाएगा, जो भी इस तरीके से है, ये बहुत अच्छी अच्छी लग रही है, मतलब कलर भी बहुत प्यारा है। और किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये किसी ने गिफ्ट दिया था जो कि मुझे याद नहीं रह गया है, ये साड़ी भी। और सुजानगंज में किसी ने दिया था, पता नहीं, डॉक्टर साहब के दिवाली का टाइम था, दिवाली पे किसी ने दिया था, अब मुझे याद नहीं रह गया है, उनको थैंक यू। बढ़िया अच्छी लग रही है। तो चलिए, मैंने पूजा कर लिया है, नाश्ता कर लिया है, मैंने थोड़ा सा भी नाश्ता किया है, अभी अभी बना लिया है, थोड़ा सा सब्जी भी मिक्स वेज बनाया है और रोटियां चल रही हूँ बनाऊंगी। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, इनको उठाती हूँ, तैयार कर इनको करती हूँ, अपना नहाए वगैरह, फिर थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़े। नए साल में एक प्रण तो हर किसी को लेना चाहिए कि भाई हम इस साल ये चीज़ ज़रूर करेंगे। तो बच्चों को तो मैं कई बार कोशिश कर लिया कि नहा के सुबह सुबह हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लिया करें, करते भी हैं ये लोग, लेकिन बच्चे हैं, भूल जाते हैं इन लोगों का, कभी चलता है लगातार, कभी रुक जाता है। तो इस साल मैंने सोचा है कि इनको कहूँगी कि बिल्कुल रोकना नहीं है, रेगुलर पढ़ना है, तो एक ज़रूर बच्चों में एक आदत तो डालनी ही पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने जीरा राइस थोड़ा सा बना दिया है और इसके अलावा ये मिक्स वेज, ये मैंने अभी दो चीज़ें बनाई है और इधर रख दिया है चाय। तो आइए पहले मैं अपने लिए चाय पीने का मन हो रहा है, बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। चावल अभी मेरा खूब गर्म है क्योंकि अभी अभी बनाया है, तो मैं इसी ऊपर ये सब्जी वाली कढ़ाई रख दूंगी, तो ये क्या है, इसकी वजह से ये भी गर्म रहेगा। और मैं रख देती हूँ चाय, क्योंकि भाई बहुत चाय पीने का मन हो रहा है, ठंडी लग रही है। लाइट चला दूं, नहीं तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है बिल्कुल। अभी चलो स्वेटर पहन लूं, ठंडी गजब की लग रही है। जब उबल जाती है मतलब उसका रस अच्छे से पानी आ जाता है, तभी मैं चाय पत्ती डालती हूँ। तो हम लोग दिखाते हैं मतलब चाय बनाने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं क्या करती हूँ, मुझे अदरक का टेस्ट ही चाय में चाहिए होता है, मुझे पता नहीं क्यों चाय में, मुझे चीनी में डालती नहीं, कभी नहीं डालती मैं चीनी, बस मुझे चाय में अदरक का टेस्ट आना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए अदरक अब उबलने लग गया है, अब मैं इसमें चाय पत्ती डालती हूँ। और ये चाय पत्ती भी जो नेचुरल केयर होता है, जिनमें कि सारे मसाले डले होते हैं, तुलसी और गिलोय, ये सारी चीज़ें डली होती हैं, वो अलग है। बस अब ये थोड़ा उबल जाएगा, अब मैं इसमें दूध डालूँगी, तो दूध भी डाल देती हूँ। बच्चे उठ ही नहीं रहे हैं, आज संडे ही मना रहे हैं, सोए जा रहे हैं सब। बस अब बस उबल जाने देते हैं, थोड़ी देर तक उबलेगा। मम्मी आज साड़ी पहनी है, ठंडे में तो भूल गया, शॉल ओढ़ लिया भाई, बहुत ठंडी लग रही है। मैं सब्जी निकाल रहा हूँ, आ रही हूँ, वहाँ सब्जी निकाल रहे हैं, रुक जाओ उसमें निकाल, आराम से
अनिल की सब्जी, पनीर की सब्जी सब तो बसा। अब पूड़िया भी देख लो, फूली 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 सारी ले लो। पापा को बुला रहा है। अरे अब कौन उठा? राइस और पूरी। सूरज बस जैसे लग रहा है डूब रहे हो, इतना अंधेरा अब हो जाएगा जब फटाफट झट से देखो पतंग तैयारी। अभी ऐसा लग रहा है डूबने वाले हो, बताओ इतनी जल्दी से। बाहर दूर धुंध धुंध दिख रहा है, कबूतरों को देखो। तो मैं छत पे आ गई थी थोड़ा सा धूप लेने, लेकिन धूप तो लग ही नहीं रही है बिल्कुल भी, हवा लग रही ठंडी ठंडी, और सिर्फ शॉल ओढ़ी हूँ, ऐसे ही आ गई हूँ, स्वेटर नहीं पहना है। कबूतर लोग देखो कैसे छतों में बैठे हैं, इधर भी सब बैठ गए हैं, अब दिन भर उड़ उड़ के थक गए हैं, सब सुस्ता रहे हैं। बाहर बिल्कुल धूप नहीं लग रही है, मैंने सोचा चल के थोड़ी देर धूप लेती हूँ। पीछे बहुत सारे कपड़े थे जो कि फोल्ड किया, उतने ही कपड़ा मशीन में डाल के आई हूँ, तो अभी धुल जाएगा, जा रही हूँ डालूंगी। यहाँ से तो जाना भी पड़ेगा, हवा गजब की लग रही है, ठंडी ठंडी मस्त। उधर देखो छत पे लोग नाश्ता कर रहे हैं शाम को बैठ के इकट्ठा होके, कितना अच्छा लग रहा है ना, सबका अपना संसार, सब अपने संसार में इसी तरह व्यस्त हैं, खुश हैं, अच्छा लग रहा है सब इकट्ठा होके। जब ज़्यादा बड़ा परिवार होता है ना, कितना बढ़िया लगता है ना, ये हर तरह के लोग बढ़िया एक साथ मौज मस्ती करना, कुछ बनाना और ढेर सारे स्नैक्स बना के एक साथ बैठ के सब एंजॉय करें, चाय पिए, कितना बहुत मज़ा, मुझे तो बहुत पसंद है। नया साल आने वाला है, पुराने साल में एक चीज़ हर किसी को छोड़ देनी चाहिए, किसी से अगर क्या बोलते हैं, किसी से भी अगर अंदर अपने अंदर किसी के प्रति लेके घृणा गुस्सा या किसी भी तरह की भावना अगर अपने मन में है किसी को भी लेके, एक्स वाई जेड मतलब घर का हो बाहर का हो कोई भी हो, अगर किसी को भी लेके किसी तरह की आशंका उसके प्रति द्वेष कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि इस नए साल से पहले उसको बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। माफ़ी हमने सीखी थी श्री श्री रविशंकर का, एक मैंने वर्कशॉप किया था, तो एक उनका कोर्स है हैप्पीनेस कोर्स, तो उसमें मैंने किया था, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बहुत मतलब कि डिटेल में बताया था कि वो बहुत अच्छा है, हर किसी को कर लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप लोग अगर करना चाहो तो हैप्पीनेस कोर्स श्री श्री रविशंकर का ज़रूर करिए, और कोई अच्छा अगर मेंटोर होगा, अगर बढ़िया कराने वाला होगा वहाँ पे जो भी हो टीचर्स होते हैं, तो ये मान लो अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। सूरज में देखो पीछे है ना, हवा है ठंडी, तो मैं आ गए रिश्ता करने, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, पतंग उड़ रही है, पतंग नहीं उड़ेगी, पतंग देखो देखो उधर उधर उड़ रही है, उधर उड़ रही है, मुझे आती है बुढ़ानी नहीं अभी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, बिबू भी आ गए, इनको लेके चलूंगी नीचे, ना ठंड लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी,
तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंट करती हूँ। हो ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।